प्रयागराज वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक यमुना पार व क्षेत्र अधिकारी कर्चना के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक कर्चना विश्वजीत सिंह व एसओजी प्रभारी रंजीत सिंह के नेतृत्व में थाना कर्चना व एसओजी की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा दिनांक 7 नवम्बर 2022 की रात्रि में हरे बैंदो मार्ग पर चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त की 17/10/2022 को थाना खर्चना क्षेत्र के ग्राम मर्दापुर स्थित अनमोल ढाबे के पास सूरत गुप्ता पुत्र स्वर्गीय ओम प्रकाश गुप्ता निवासी पीपी रोड बक्सर बिहार का सिर विहीन शव प्राप्त होने की घटना का मुख्य अभियुक्त फिरोज अहमद स्कूटी से अपने घर पचदेवरा आने वाला है। सूचना पर एसआर डिग्री कॉलेज के पास पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान स्कूटी से आ रहे युवक व्यक्ति को रोकने का प्रयास किया गया, जिस पर उसके द्वारा पुलिस टीम पर फायर कर दिया गया। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ की गई जवाबी फायरिंग में बदमाश के पैर में गोली लगने से वह घायल हो गया। घटना पे विगत 17 अक्टूबर को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति उसकी निर्मम हत्या कर दी गई है कुछ अज्ञात लोगों के द्वारा तथा उसके शव के पहचान छिपाने के लिए उसका सिर तथा गुप्तांग इन्हें शरीर से पृथक करके उसमें आग भी लगा दी गई है। तत्काल इस घटना के संबंध में पुलिस टीमें सक्रिय हुई तथा इसके सफल अनावरण हेतु सीओ कर्चना के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई थी। जो घटनाक्रम है उसमें एक व्यक्ति सूरज गुप्ता जो कि बक्सर बिहार के रहने वाले थे उनकी हत्या एक व्यक्ति फिरोज अहमद जो कि थाना कर्चना के पचदेवरा का रहने वाला है इसने अपने दो साथियों के साथ मिलकर कर दी थी। जो फिरोज अहमद है ये एक अभ्यस्त अपराधी है जिसपे करीब 2 दर्जन मुकदमे पहले से पंजीकृत हैं। इन मुकदमों की पैरवी करते हुए तथा उसमें पड़ रहे खर्च को लेकर के ये काफ़ी कर्ज में डूब गया था। जेल में रहने के दौरान इसने अन्य आपराधिक साथियों से तथा कुछ टीवी सीरियलों में इसे एक जिज्ञासावश एक सूझ आई जिसमें इसने ये प्लान किया षड्यंत्र किया कि अपने ही कदकाठी के किसी व्यक्ति को यदि ये मृत घोषित कर दे दिखा दे तो इसे जो कोर्ट केसेस चल रहे हैं उसे मुक्ति मिल सकती। इसी घटना को अंजाम देने के लिए फिरोज अहमद ने अपने 2 साथियों का सहारा लिया तथा 16 अक्टूबर को सूरज गुप्ता को नशा का प्रलोभन देते हुए उसे अपने साथ लेकर के अनमोल ढाबे आज थाना कर्चना पे फिरोज अहमद के सक्रिय होने की पुख्ता सूचना पुलिस टीम को मिली थी। इनकी घेराबंदी के लिए थाना कर्चना और क्राइम ब्रांच की टीमें सक्रिय थीं। पुलिस पार्टी द्वारा चेकिंग लगा के बैरियर लगाकर जहां चेकिंग की जा रही थी पुलिस पार्टी को देखते ही फिरोज अहमद द्वारा फायर खोल दिया गया। आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग करते हुए इन्हें गिरफ्तार किया गया है जिसमें फिरोज अहमद के पैर में गोली लगी है। इन्हें चिकित्सकीय इलाज के लिए CHC रवाना कर दिया गया है। केस में जो भी अन्य अग्रिम विधिक कार्रवाई है वो उसे भी पूर्ण कर लिया जाएगा।